जी हाँ, सब्र का बांध टूट चुका है और अब माँ चरण कौर जी ने घुटने टेक दिए हैं। नाक रगड़ने को भी तैयार है माँ चरण कौर जी। आखिरकार क्यों करने को मजबूर है ये सब कुछ, बताएंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ तक कि अपनी सारी जायदाद भी देने को तैयार हैं, लेकिन इंसाफ चाहिए उन्हें। ऐसा बयान माँ चरण कौर जी ने आखिरकार क्यों दिया रोते रोते, बताएंगे इस वीडियो के अंदर। क्यों इतनी भावुक हुई, सब कुछ बताएंगे, एक डिटेल दिखाएंगे वो वीडियो। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको बता दें, इस वक्त की बहुत ही दुखद खबर जो है सामने आई है। 1 साल हो गया सिद्धू मूसेवाला जी को, अब तक इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में माँ चरण कौर जी कहा कि सारी जायदाद ले लो, मैं अपनी नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ, बस इंसाफ दे दो। मेरी सारी जायदाद भी ले लो, मेरे बेटे को, मेरे श्रवण पुत्र को इंसाफ दे दो। हाथ जोड़कर माँ चरण कौर जी ने अपने बेटे से माफी मांगते हुए 29 मई को जो है उस जगह पर जाकर अपने बेटे से माफी मांगी और सरकार से जो है गुजारिश की, गुहार लगाई कि हत्यारों को सजा देने की बजाय जो है उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे इंसाफ चाहिए। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि 29 मई को जो है बरसी रखी गई थी, सिद्धू मूसेवाला जी का बरसी था, और पाठ रखवाने के साथ साथ कई जगहों पर जो है लंगर भी रखवाया गया था। माता चरण कौर जी उस जगह पर भी पहुंची जहां पर सिद्धू मूसेवाला जी को 29 मई को दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी। गायक रैपर सिद्धू मूसेवाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मानसा जिले के जवाहर के गाँव की नगर पंचायत में जो है पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले जी की याद में उस स्थान पर पाठ का आयोजन किया गया था, जहां उनकी पुण्यतिथि से 1 दिन पहले उनको जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको ये भी बता दे कि माँ चरण कौर जी सड़क पर ही घुटने टेक लिए और वहां पर जो है माँ चरण कौर जी ने अपने बेटे को सल्यूट करते हुए सिद्धू मूसेवाला जी से माफी मांगी कि बेटा 1 साल हो गया, मैं जो है तुझे इंसाफ नहीं दिलवा पाई हूँ, इस वक्त मुझे माफ करना। इस तरह की बात जो है रोते रोते माँ चरण कौर जी अपने अपने बेटे को कही और रो पड़ी और माथा टेका अपने बेटे के उस जगह पर जहां पर उनको गोली लगी थी, जिस जगह पर जहां पर उनको गोली से मारा गया था। वहीं आपको बता दे, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए माँ चरण कौर जी ने ये भी बयान दिया कि जब तक मेरे श्रवण पुत्र मूसेवाला की हत्या के हत्यारों और साजिशकर्ताओं को सजा नहीं मिल जाती, न्याय के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उनकी हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसलिए इन लोगों के चेहरों को बेनकाब करना काफी ज्यादा जरूरी है और हम दोनों माता पिता और सिद्धू के फैंस मिलकर ये काम करके रहेंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे।